भाषा का मेला भाग तीन। हाँ तो दोस्तों, याद है पिछली बार के मेले की पहेली? प लिखा सीधा, त मगर पलट गया, इस उलट पुलट को जोड़ो तो क्या बन गया? इस पहेली का जवाब है फ। और अब आज के मेले की तैयारी करें। इस मेले में भी सारे खेल तमाशे भाषा के ही हैं, तो आइए इनको चलकर समझते हैं भाषा के मेले में। भाषा का मेला, लो आया भाषा का मेला, लो आया भाषा का मेला, लो आया भाषा का मेला, अलबेला भाषा का मेला, लो आया भाषा का मेला। इस मेले में तुम 22 को देखो, बात मजे की करने वाली हड़बड़ पुतली देखो। भाषा का मेला ले आया शब्दों का रेला, लो आया भाषा का मेला, लो आया भाषा का मेला। ये तो ठीक है, बड़बड़ बाकी का सामान भी दो, ये जरा बनाए ये। हाँ, ये यहाँ पर लगाना पड़ेगा ऐसे। इससे पहले कि भाषा जी आ जाएं, अपना काम पूरा कर लेना चाहिए। गड़बड़ जी आप बोलते क्यों नहीं? जो गड़बड़ होगा वो बोलेगा, मैं तो हड़बड़ हूँ। ओह अच्छा, भाषा जी आप हैं। गड़बड़ जी, लगता है आज भाषा का नहीं गणित का मेला है, जो आप गिनती का खेल दिखा रहे हैं। आपको लगता होगा मैं तो अ बना रहा था। अ बना रहे हैं जी, इसलिए कि आज जो है मेला जो है वो अ और आ के बारे में है। लाइए फिर मैं ठीक कर देती हूँ। मुझे नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसी हैं, ठीक ठाक हैं? हड़बड़ जी, मैं ठीक से बना देती हूँ, नहीं तो मेला देखने वाले बच्चे क्या कहेंगे। ये भी ठीक है, मेला देखने वाले बच्चे क्या कहेंगे। अच्छा आप आए, इधर से आ जाएं, शाबाश। लाइए दीजिए, ये लें, ये और ये दो और वो एक, बनाइए जरा आप। ये देखिए, पहले लिखा एक, एक फिर ये दो, दो और इसके ऊपर ये तीन। मैं समझा शायद आप गिनती दिखा रही हैं। ये क्या ये बन गया? अ। हाँ। और ये जो डंडा आपके हाथ में पकड़ा है, ये किसको मारने के लिए पकड़ा है? हड़बड़ जी, डंडा नहीं, आ की मात्रा है। ओहो, अच्छा ये है आ की मात्रा। मैं ये देखिए, कल से ढूंढ रहा था, पता नहीं हड़बड़ ने कहाँ रखती थी। अच्छा वो मिल गया, ये बन गया आ। अच्छा, मात्रा लगने से आ। अब ये देखिए, चलो भाई बड़बड़ ये सामान, ये देखिए, जैसे क में आ की मात्रा लगेगी तो बनेगा का। का। ब में आ की मात्रा लगेगी तो बनेगा बा। हाँ। व में आ की मात्रा लगेगी तो बनेगा वा। हाँ। वा, 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 वा। और ये देखिए, प में लगेगी तो बनेगा पा। पा। पा से पाठशाला। पा से पाठशाला। बड़बड़ उठाओ सामान, हम चलते हैं। कहाँ कहाँ चले बड़बड़ जी? मैं यहाँ सामान बेचने आया हूँ, आपने पाठशाला खोल दिया, पढ़ाना शुरू कर दिया है।
नाराज मत होइए हर्बर्ट जी। अच्छा अब ये बताइए आप हमें कौन सी चीजें दिखाने वाले हैं? हैं कोई चीजें? आपने मुझको भोला समझा हुआ है? वो पिछली दफा भी मैं चीजें, उससे पिछली दफा भी, हर दफा मैं चीजें लेके आता हूँ दिखाने के लिए, आप साथ ले जाती हैं दिखाने के बहाने। इस दफा मैं कुछ भी नहीं लेके आया। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा, मैं आपको कुछ चीजें दिखाती हूँ। आप लेके आई हैं? हाँ हाँ। वो पिटारी में? हाँ जी। अच्छा तो आ जाइए। चलिए आइए आइए भाषा जी आइए। चलिए टोकरी भी ले आइए। हाँ ये देखिए जी, अ से अमरूद। अमरूद, वाह वाह पानी आ गया मुंह में। और अ से अनार। अ से अनार, वाह वाह। और क्या क्या है? आ से आम। आ से आम, वाह वाह वाह। बड़बड़ आज खाना यहीं चलेगा दोपहर का। हाँ। और आ से आलू। चलें ये भी खा ही लेंगे। हाँ वाह, आ से आलू। अब मेरा ख्याल है मैं कुछ निकालूं इस टोकरी में से अपनी पसंद की चीजें। ये क्या, ये फल कोई सूख सा गया है भाषा जी? हर्बर्ट जी ये फल नजर आ रहा है आपको? नहीं नजर तो मुझे आ रहा है लेकिन। अच्छा आप निकालती हैं तो फल निकलता है, मैं निकालता हूँ तो पढ़ाई निकलती है। अच्छा और निकाल के देखते हैं। हाँ ये एक और सूखा हुआ फल। आ है हर्बर्ट जी। अच्छा हाँ आ है, आ पढ़ाई फिर निकल आई। ये क्या भाषा जी, ये क्या डंडा फिर आ गया? ये डंडा नहीं हर्बर्ट जी, आ की मात्रा। आ की मात्रा। हाँ और एक बात मजेदार ये कि ये मात्रा जिस भी अक्षर के पीछे लगाई जाए उसमें जोर से आवाज होती है। मुझे पता है इसका, इसलिए कि जब भी मैं बड़बड़ को इस किस्म की मात्रा या ये डंडा लगाता हूँ तो बेचारे के मुंह से जोर से आवाज आती है आ। खेल खेल रहे थे तुम लोग, मुझे भी ऐसा एक खेल आता है, देखोगे? अच्छा तुम आओ मेरे साथ।
मैंने लगाया एक, इस पर लगाया दो, और दो के ऊपर तीन, ऊपर से लगाया एक डंडा, बन गया अ। अ में लगाया ये डंडा, अब बन गया आ। है ना अच्छा खेल? चलो क्या दिखाता है? चीज का नाम बताओ, चित्र बनवाओ। आओ आओ, चीज का नाम बताओ, चित्र बनवाओ। क्या तुम चित्र बनाते हो? हाँ हाँ, मैं भी चित्र बनवाऊंगी। चित्र का नाम इन अक्षरों से शुरू होना चाहिए। अच्छा, ये अक्षर है क ब व प ह त अ और आ, पर इन अक्षरों से तो बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। अच्छा, पहले आ से आम बनाकर दिखाओ। आ से आम, हाँ अच्छा, अब त से कुछ बनाकर दिखाओ। त से तख्ती, तलवार, तबला, कुछ भी। त से तबला, त से तलवार, क्या तुम प से पहाड़ और पतंग भी बना सकते हो और ब से बत्तख भी? हाँ हाँ, मेरे पास ये सब चित्र बने हुए रखे हैं। हाँ दिखाओ। ये देखो। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है। अच्छा, हम एक काम करते हैं, ये चित्र जिन अक्षरों से शुरू होते हैं वो लिख देते हैं। जैसे आ से आकाश, प से पहाड़, प से पतंग, ब से बत्तख, अच्छा तो अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे। तुम पूछोगे कब? अब हम मिलेंगे अगली बार के मेले में, भाषा के मेले में।